अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा इंट्रो देते हैं, समझाते हैं आपको। भारत भारत की अगर हम बात करें इंडिया की, तो आज की डेट में लगभग 32% पॉपुलेशन अर्बन है एंड 62% पॉपुलेशन 68% पॉपुलेशन रूरल है। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो बड़ी कम लग रही है, 32% बहुत ही कम है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट फिगर्स में देखें, नंबरों में देखें, तो भारत के शहरों में जितनी जनसंख्या रहती है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है, ठीक है, उसकी टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा। और परसेंटेज वाइज देखा तो सिर्फ 32%, लेकिन इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है, जस्ट बिहाइंड चाइना, ठीक है। सो द थिंग इज कि अगर हम वैसे फिगर्स में देखें तो 121 करोड़ में से लगभग 38 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो रहती है हमारी अर्बन एरिया। तो अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें, मैं अक्सर आपको रूरल एरियाज के इंपॉर्टेंस पढ़ाता हूँ, अर्बन एरियाज की बात करें तो आने वाले समय में जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, जो ग्रोथ को लेकर के जाएंगे आगे इंडिया की, दैट इज अर्बन पॉपुलेशन। उसके रीजन क्या है? पहला रीजन एक बहुत यूनिक है कि चाहे 32% पॉपुलेशन आज की डेट में है अर्बन, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये पॉपुलेशन लगभग 50% तक पहुंच जाएगी 2030 के अराउंड, ये लगभग 50% हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए कि मतलब जितनी नई पॉपुलेशन ऐड हो रही है वो अर्बन हो रही है, समझे मेरी बात को, कि जो अब के बाद पॉपुलेशन ग्रो होगी कंट्री की वो अर्बन पॉपुलेशन ग्रो होगी, रूरल एरियाज में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज में बहुत बड़े पैमाने पर जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में आ चुकी है, और वो पॉपुलेशन क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस नहीं होने की वजह से डे बाय डे माइग्रेट कर रही है अर्बन एरियाज की तरफ। दूसरा, बहुत समय से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर चुकी पॉपुलेशन ने अब अपनी वुमेन, अपनी वाइफ को बुला लिया है शहरों की तरफ और वहीं पे सेटल हो चुके हैं, तो उनके द्वारा पैदा किए गए नए बच्चे यानी कि नेचुरल ग्रोथ भी एक तरह से बढ़ाएगी अर्बन पॉपुलेशन। सो द थिंग इज, आने वाले समय में जो नई जनसंख्या जुड़ेगी वह शहरी जनसंख्या होगी, अर्बन पॉपुलेशन होगी एज कम्पेयर टू रूरल पॉपुलेशन। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, समय बीतता चला जाता है और अर्बनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से ग्रो होती रहती है। जब देश आजाद हुआ था तब लगभग 17% पॉपुलेशन हमारी अर्बन थी, आज लगभग 32% पॉपुलेशन अर्बन है, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है पिछले 67-68 ईयर्स के अंदर, पॉपुलेशन अर्बनाइज जो है वो डबल हो चुकी है, ठीक है। तो देखेंगे क्या डिफरेंट डिफरेंट कारण रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कारणों में अगर आपको एमसीक्यू आता है आप सिंपल आंसर करेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन के बढ़ने का सबसे मेन और प्रोमिनेंट रीजन है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, गाँव से शहरों की तरफ लोगों का पलायन करना। लैंग्वेज हमारा बाइलिंग्विस्टिक होगा, दोनों भाषा में दोनों लैंग्वेज हैं, इसकी गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है बहुत तेजी से, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है। इसके कई सारे रीजन, जैसे सबसे पहला रीजन अगर मैं आपको समझाऊँ कि अर्बनाइजेशन बढ़ने का इस तरह का कारण क्या है, तो वेरी फर्स्ट रीजन इज चूंकि आप ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर उस लेवल पर ग्रो नहीं हो पा रहा, और एग्रीकल्चर की खासियत है उसका इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी नहीं, वो बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता। तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर की एक ऑब्स्टेकल है कि वो ज़्यादा इनकम जनरेटिंग भी नहीं है, ज़्यादा इनकम भी जनरेट नहीं कर सकता। इन सारे कारणों की वजह से जो गाँव में लोग रह रहे हैं जिनका मेन जो बेस है वो एग्रीकल्चर है, उन्हें मजबूरी में वहाँ से अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से माइग्रेट करना पड़ा है शहरों की तरफ। और इंडियंस की एक खासियत है कि इंडियंस माइग्रेट करना नहीं चाहते, लेकिन अगर माइग्रेट करेंगे तो उनका टारगेट ये होता है कि जब घर से निकले ही हैं तो पास के शहर या कहीं इधर उधर के शहर में क्यों जाना है, चलो फिर बड़े शहर ही चलते हैं, जब एक बार घर से उखड़ ही चुके हैं तो बड़ी ही जगह पे चलते हैं, है ना। चलो कहेंगे कि वो फिर कहाँ जाएंगे, बड़े शहरों की तरफ। तो हमारे देश में जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें भी अपने आप में एक प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लास वन सिटीज़ हैं जिन्हें हम बिग सिटीज कहते हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उनके नंबर भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश में क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव, क्लास सिक्स, कई तरह के अर्बन सिटीज़ हैं,
थिंग इज कि इनमें से क्लास वन अर्बन सिटी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, नंबर में भी और पॉपुलेशन में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं आगे समझाऊंगा कैसे। तो ये है रीजन कि अर्बनाइजेशन इतना क्यों बढ़ रही है। वेरी प्रोमिनेंट रीजन इज रूरल माइग्रेशन टूवर्ड्स अर्बन एरियाज। अर्बन फिगर जो हमने डिस्कस की कि इम्पोर्टेंट क्यों है इतना, बिकॉज इट इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर द फ्यूचर इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब हम थोड़ी सी बातों पर चर्चा करते हैं कि अर्बन क्या, अर्बन क्या है, रूरल क्या है, अर्बन वर्ल्ड की डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे बच्चों, दो तरह के अर्बन एरियाज होते हैं, देखिए इंडिया का जो सेंसस है ना, जो हर 10 10 साल पे होता है, अभी रिसेंटली हुआ था, जिन्हें नहीं याद है कब हुआ था, 2001 से लेकर 10 years, ठीक है, दैट इज 15 का सेंसस ऑफ इंडिया, 15वां और सबसे बड़ा सेंसस। और इस सेंसस की सबसे बड़ी खासियत, पहली बार इंडिया को सेंसस है जिसने अर्बन एरिया में रहने वाली स्लम पॉपुलेशन को भी काउंट किया, उनका भी सेंसस लिया, ठीक है। जिस भी टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सेंसस की खास बात हम डिस्कस करते जाएंगे अपने यहाँ। तो द थिंग इज, दो तरह के शहर होते हैं हमारे देश में, दो अर्बन एरियाज होते हैं। पहला वो अर्बन एरियाज जिन्हें लोकल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, जैसे कैंटोनमेंट बोर्ड, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपालिटीज, नोटिफाइड एरिया, ये सारे के सारे एरिया टाउनशिप्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टैचुटरी सिटीज। स्टैचुटरी मैंने जो कानून के द्वारा निर्धारित की गई है कि ये शहर है, फिर वो सारी कंडीशन चाहे पूरी करती ना हो, जिनकी वजह से ये सेंसस सिटीज बनती है ना, इसके लिए कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को फुलफिल करें या ना करें फिर भी ये सिटीज है, क्योंकि कानून पास करके ये सिटीज डिक्लेयर किया गया है। दैट्स व्हाई इट इज देयर सिटीज डिक्लेयर्ड बाय द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट माने लॉ, दैट्स व्हाई देयर कॉल्ड स्टैट्यूटरी। जो भी काम विधायी विधान जिसे हम कहते हैं कानूनी होता है, दैट इज स्टैट्यूटरी, ओके। सो द थिंग इज, अब इसमें इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एनसीक्यू, जो हमारी अर्बन प्लानिंग है, दैट इज अर्बन गवर्नमेंट और अर्बनाइजेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, याद रखो, देयर आर थ्री टाइप ऑफ लिस्ट, सिमिलर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, सेंट्रल पार्लियामेंट, स्टेट लिस्ट इसमें रिस्पेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाएं, कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों को कानून बनाने की परमिशन है, ठीक है। तो ये स्टेट का इशू है, आई बात, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नोडल एजेंसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये भी ये नोडल एजेंसी है जो पॉलिसीज बनाएगी और गाइडलाइंस फॉलो करने का आपको बताएगी। इसी तरह से एजुकेशन भी स्टेट इशू है, लेकिन सेंटर की तरफ से पॉलिसीज आती जाती हैं डे बाई डे। सो द थिंग इज कि स्टेचुटरी के बाद दूसरी सिटीज है सेंसस सिटीज, इनका पहला पॉइंट क्या है, कोई भी एरिया अर्बन एरिया कब होगा, जब वहाँ की मिनिमम पॉपुलेशन कितनी होगी, 5000। कोई भी एरिया अर्बन एरिया होगा जब वहाँ की 75% मेल पॉपुलेशन क्या करती होगी, नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि जब हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं वो रूरल होता है। कोई भी एरिया अर्बन एरिया होगा जब वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की कि एक के एरिया में कितने के लोग हैं। अभी ये मान लीजिए 150 स्क्वायर फुट का रूम अगर हम दें तो 10 लोग हैं, फिर 20 से 30 तो डेंसिटी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया उतना ही है स्क्वायर फीट, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो द थिंग इज, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मिनिमम पॉपुलेशन 5000, मेल वर्किंग पॉपुलेशन वहाँ की 75% नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी और 400% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हो, ये तीन कंडीशन पूरी करने वाला क्या कहलाता है बेटे जाने में, कौन सी सिटीज होती है, हमें सेंसर सिटीज, ठीक है, ये कॉल सेंसर सिटीज। तो दो तरह की सिटीज है, क्लियर कहानी। इन दो तरह की सिटीज में आगे और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो मैं आपको क्लियर करते चला जाऊंगा, ठीक है।
थोड़ा सा इतिहास देखते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा शिफ्ट कब आया था शहरों की तरफ, दैट इज ड्यूरिंग 1930s ग्रेट डिप्रेशन। 1930 में 1929 और 30 में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का दौर आया था, जिसे हम कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस टाइम लोग बहुत बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ गए थे रोजगार लेने के लिए, ठीक है, बहुत हाई लेवल। तो देखेंगे इस टाइम पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हुई थी टुवार्ड्स द सिटी, कार्बनाइजेशन का एक बहुत बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड। सेकेंड टाइम 1947 में जब आज़ादी मिली तो पाकिस्तान से लोग आए माइग्रेटरी वीजा, नेचुरली वो एग्रीकल्चर नहीं है, खेत नहीं है। तो आपने नोटिस नहीं किया पाकिस्तान से आए उन लोगों को कहाँ बताया जाता है, हाजो कैंप, गांधी कैंप, ये सब कैंप एरियाज जो कहाँ है जहाँ पर आज जलंधर डेवलप हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे इसकी जब 1947 का समय था, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेटरी पीपल्स जो हैं इन्होंने अर्बन एरियाज की तरफ मूव किया, और इंडियन जो लोकलाइट्स भी थे इन्होंने बहुत हाई लेवल पर अर्बन एरियाज की तरफ मूव किया उस समय, ठीक है। तो ये एक सेकेंड मूवमेंट हुई बहुत हाई लेवल पर। इसके बाद जब आप देखेंगे थर्ड बहुत ही बड़ी मूवमेंट जो होती है, दैट इज ड्यूरिंग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में भारत सरकार इंडिया की इंडस्ट्री, इंडिया की इकोनॉमी ओपन कर देती है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो इस दौरान बहुत तेज़ी से छोटे उद्योग धंधे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लगते हैं शहरों में, और लोग बहुत तेज़ी से शहरों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शहरों में स्कूल बन चुके होते हैं, शहरों में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी। तो आप देखेंगे ट्रेंड स्टार्ट होता है 1980 के बाद शहर जाके पढ़ने का, शहर जाके पढ़ना, क्योंकि शहर जाके पढ़ता था तो वो शहर में जाके टिक जाता था, और शहर में सारा घर परिवार बसा के फिर शहरिया कहलाता था, और फिर जब वो गांव आता था कहते शहरिया आ गया। लेकिन अब रिवाज बदलना है सरकार को, शहर में पढ़ने आओ, शहर में पढ़ के गांव वापस जाओ, और गांव जाके अच्छे अच्छे इंडस्ट्रीज, अच्छे अच्छे बिजनेसेस ओपन करो उन लोगों के फायदे के लिए। तो 1990-91 के दौरान, खासकर 1995 में जब IT रेवोल्यूशन आया, उस दौरान बड़े पैमाने पर लोग शहरों की तरफ भागे। ये बहुत तीन मूवमेंट बहुत बड़ी बड़ी, बाकी उसके बाद तो कॉन्टिन्यूटी में लोग शहरों की तरफ आ ही रहे हैं, ठीक है। तो इतने बड़े पैमाने पर हमने डिस्कस किया कि अर्बन पॉपुलेशन इतनी बड़ी है हमारी, अमेरिका का एग्जाम्पल दे दिया, सेकेंड लार्जेस्ट बता दिया, ये भी कह दिया कि इंजन है ग्रोथ का। सो द थिंग इज क्लियरली पता चल रहा है कि हमें इसे डेवलप करना है। एक छोटा सा बुनियादी सा फर्क बता देता हूँ मैं आपको कि सिटीज और टाउन में एक डिफरेंस होता है। कोई भी वो जगह, कोई भी वो सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है, तो 1 लाख वो बेस भी कहाँ है, जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर है वो सिटी है, जिसकी 1 लाख से नीचे है वो टाउन है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड टाउन। सो द थिंग इज अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसा है हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को टारगेट करने के लिए है हमारे पास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या होता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो नहीं है तो कैसे सुधारेंगे, क्या रोल है फ्यूचर ग्रोथ में अर्बनाइजेशन का, और भविष्य में क्या क्या तकनीकें अपनानी चाहिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, और भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, और भविष्य में क्या करना है आम लोगों को। खत्म कहानी, सारा ऑर्गेनाइजेशन का मुद्दा ऐसे समेट के खत्म कर देंगे सारा कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन आप ही के थ्रू करेंगे। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, वेरी फर्स्ट, शहर में रहते हैं आप खुद ही बताइए क्या चाहिए आपको शहर में रहने के लिए सबसे पहले। शहर में रहने के लिए सबसे पहले जहाँ रहना है हाउसिंग, पानी सड़कों पे तो नहीं पीने, पहले छत चाहिए सर पे हाउसिंग। जरा ऐसे लॉजिकली आना तो फिर याद ही नहीं करना पड़ेगा कि क्या क्या चाहिए, है ना। ऐसे देखना कैसे जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जैसे आज ही शहर बनाया, सबसे पहले शहर में रहने के लिए चाहिए घर, फिर दूसरा जब बिजली नहीं थी तब भी जिंदा रह लेते थे, लेकिन पीने के लिए पानी बड़ा जरूरी है, तो पीने के लिए हमें चाहिए
वाटर 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 फैसिलिटी। तीसरा, अब चाहिए हमें कहीं ना कहीं बिजली, क्योंकि बिजली नहीं होगी पढ़ लिख नहीं पाएंगे, और दूसरी तीसरी मंजिल पर टंकी में पानी चढ़ाना है तो बिजली के बिना चढ़ेंगे, तो बिजली भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। अब घर में बिजली पानी सब आ गया है, घर से बाहर भी निकलना है, सब्जी भाजी लेने जॉब करने के लिए, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। बस इन्हीं को फिर वन बाय वन में एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन, अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा, तो और क्या चाहिए? नेचुरली रोजगार चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वी नीड एजुकेशन। Now what is next after education? अब obviously एक चीज़ है, क्योंकि देखो खाएंगे पियेंगे natural सी बात है, मोज़रेला और ये सारी चीज़ें दिमाग में पड़ना गारंटी है, क्योंकि शहरों में प्योर तो मिलता नहीं, आप भी जानते हैं बिट्टू का देसी की टिक्कियों में घी के साथ साथ खट्टा भी होता है, ठीक है, जो कड़क कड़क हम कहते हैं क्रंची साथ, सारा दिन उसका तवा चढ़ा हुआ है वो भी चौंक के ऊपर, उस सरसों के तेल में कितनी मिट्टी होती होगी आप सोच के देख लीजिए, ठीक है, तो देखेंगे उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड हेल्थ। और फिर कहते हैं बहुत हेल्दी देसी की हो गई है, चलिए तो हेल्थ नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज कि आपका फूड है, पॉइंट अभी डालेंगे इसको, पहले कुछ और सोच लीजिए, हेल्थ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में अंदर क्या आ जाएगा, पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत जरूरी है। और बताइए शहर में आपको और क्या चाहिए? Naturally we need recreation activity, park, leisure, open spaces, cinemas, PVRs, everything, recreational facilities, और क्या चाहिए बताइए? Very good, employment, okay, और क्या चाहिए? अब आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अच्छा इतने शरीफ हो तुम लोग, कोई भी मोबाइल चिट्ठी तार पत्र कोई नहीं भेजेगा इतना, मतलब गांव में रहकर ये सब बिल्कुल छोड़ दो, शहर में रहकर छोड़ दो, सो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे डाक खाना होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस इज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बताइए, वो हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंस में का इंश्योरेंस में आ गया, और बताइए मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एजुकेशन भी हो गया और हेल्थ भी हो गया, हैं हैं चलिए बताओ, हॉस्पिटल हेल्थ हो गया, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी रिक्रिएशन में आ जाएगा सब, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट, तो यहाँ डालिए क्लीन और सैनिटेशन, और बताइए हो गया एक शहर ऐसे, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। और कुछ चाहिए आपको? बहुत है। फूड स्टोर्स, फूड स्टोर्स जो मैंने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस लगाया ना, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, कपड़ा लगता ये वो एवरीथिंग। ये सब तो मैंने हाउसिंग मेंशन करा, ये मोड्स ऑफ लिविंग सारे उसमें आ जाते हैं, पेइंग गेस्ट, आपके सेल्फ हाउस, फ्लैट सिस्टम, एवरीथिंग। ओके, पर ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आपको चाहिए अगर आप अर्बन डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जिस तेजी से भारत की अर्बन पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही मीगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं अर्बन एरियाज में। बहुत ज़्यादा लैक है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। क्या प्रॉब्लम आ जा रही है? मैंने अभी आपको कहा कि कंट्री हमारी एक खास तरह की प्रॉब्लम से लड़ रही है। हर फील्ड में इम्बैलेंस ग्रोथ है। एग्रीकल्चर तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया को छोड़ दो तो बाकी कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलप नहीं। इंडस्ट्री की बात करें तो मुंबई, हुगली यानी कि कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कानपुर और अहमदाबाद, इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को छोड़ दो तो बाकी एरियाज में नहीं है। ठीक है, सो द थिंग इज कि हर लेवल पर एक रीजनल इम्बैलेंस है। इसी तरह से सिटीज के मामले में भी देर आर सो मेनी डिफरेंट क्लासेज ऑफ सिटीज, लेकिन उसमें से भी सारी पॉपुलेशन कंजेस्ट हो रही है सिर्फ क्लास वन क्लास टू सिटीज। इसकी वजह से वो सिटीज ओवरबर्डन होती चली जा रही है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये परेशान है बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन से। तो ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, तो फिर वहाँ पर क्या डेवलप हो रहा है? स्लम्स। और स्लम्स आने वाले भारत का एक बहुत बड़ा श्राप है, वेरी बिग कर्स, नुकसान है भारत। तो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसमें थेफ्ट, बैगरी, ये सारी प्रॉब्लम्स स्लम से जन्म ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी बिग इशू। तो अब यहाँ पर क्या निकल करके आता है कि हमें वन बाय वन इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है कि ये क्या सिनेरियो है, कैसे इम्प्रूव किया जा सके, सरकार क्या कर रही है इस सामने। सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है हाउसिंग। देखिए, हमारी कंट्री में जब अर्बनाइजेशन की ग्रोथ की बात की गई थी, तब रियल एस्टेट कंसेप्ट अपनाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंसेप्ट नहीं अपनाया गया, यानी कि रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंसेप्ट अपनाया गया। रियल एस्टेट के आ जाने की वजह से एक बार आप देखेंगे कि क्या चीज़ हुई, कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी प्रॉपर, और रेगुलेटरी अथॉरिटी के ना होने की वजह से बहुत ही हैजर्ड ग्रोथ हो गई सिटीज की। यानी कि सिटी के कोर एरिया में काफ़ी एरिया अभी पड़ा हुआ था फ्री, लेकिन अर्बन स्प्रॉल, एक वर्ड है अर्बन स्प्रॉल, SPRAW, अर्बन स्प्रॉल की ग्रोथ हो गई। सिटी के बाहर के एरिया डेवलप होने शुरू हो गए और बहुत बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चरल एरिया कन्वर्ट कर दिया गया नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इंडिया जैसी कंट्री जिसके पास सिर्फ 2.4% लैंड है वर्ल्ड का, और उसे 17.4% पॉपुलेशन को फीड करना है वर्ल्ड की, तो ऐसे में एग्रीकल्चर लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर लैंड डे बाई डे रिड्यूस हुआ ड्यू टू अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर रोल निभाया अर्बन स्प्रॉल्स ने। अर्बन स्प्रॉल्स आप देख सकते हैं, जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ सिटी के आउटर में, वो भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्बन स्प्रॉल। आप इस तरफ देखिए, सिटी शाहपुर कैंपस की तरफ जाइए, रास्ते में आपको खाली खाली कॉलोनियाँ मिलेंगी, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्बन स्प्रॉल। आप इधर से निकल जाएँ कपूरथला रोड की तरफ, आपको बहुत बड़े बड़े एरियाज मिल जाएंगे, जैसे जलंधर, पुंछ और ये सारे ये पार्ट ऑफ अर्बन स्प्रॉल्स। तो अर्बन स्प्रॉल डेवलपमेंट हुई क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एरिया हो गया इनकम जनरेट करने का। इसकी वजह से लैंड में वैल्यू इनहेरिटेड हो गई, ज़मीन को बहुत बड़े पैमाने पर वैल्यू मिल गई, और लैंड एक ऐसी सेलेबल कॉमोडिटी बन गई रियल एस्टेट सेक्टर में, कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनके लिए अनअफोर्डेबल हो गया बहुत बड़े पैमाने पर इस चीज़ को परचेज कर। तो हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या होती चली गई, और आज की डेट में अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों की मेन प्रॉब्लम यही है कि जो अर्बन एरिया का अर्बन मिडिल क्लास है, जिसमें लोअर मिडिल क्लास सेक्शन जो है वो इतना भी केपेबल नहीं है कि वो अपने लिए ज़मीन लेकर के घर बना सके या बना बनाया घर ले सके, जिसकी वजह से बहुत हाई लेवल पे वो लोग डे बाई डे डिग्रेड होते चले जा रहे हैं। और जिस वजह से वो अर्बन एरियाज में आए हैं इनकम अर्न करने, उनकी इनकम का वो बहुत बड़ा चंक रेंट में निकलता चला जा रहा है।
ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि आज से 7-8 साल पहले भी एक बच्चा 3-3.5 लाख के पैकेज पर रिक्रूट होता था, आज भी वो 3-3.5 लाख के पैकेज पर रिक्रूट होता है, लेकिन उस पैकेज का उसका 15 से 18 हज़ार रुपये निकल जाता है रेंट पे, और वो जो रेंट वो पे करता है उसके बाद उसके हाथ में इतना पैसा नहीं बच पाता कि वो किसी तरह की कोई सेविंग्स कर सके, और अगर सेविंग्स नहीं कर पाएगा ताउम्र वो रेंट पे ही रहेगा, घर कभी ले ही नहीं सकता क्योंकि घर बहुत ही कॉस्टली हो गया। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर की बात करें तो देट इज़ टोटली इम्पॉसिबल, आप कभी भी घर नहीं ले सकते। और जब तक आपके पास आपकी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी ऑटोमेटिकली आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी, और जब आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी तो इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि गवर्नमेंट सभी को सोशल सिक्योरिटी नहीं दे सकती, वहाँ पर आप अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अ रीज़न कि क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के नाम होने की वजह से बहुत ही हैपजर्ड वे में ग्रो हुआ, और इसकी वजह से प्रॉपर्टी के अंदर एक वैल्यू आ गया, और वो वैल्यू की वजह से आज की डेट में लैंड इतना कॉस्टली हो चुका है कि कोई भी लैंड परचेज करने की कैपेबिलिटी में ही नहीं, और इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर 2 नंबर का पैसा कमाया। तो सीधी सीधी बात है, प्रॉपर्टी जब भी सेल होती है या बिकती है तो हम ये कह सकते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो हुआ तो इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को भी नहीं मिला क्योंकि जो प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड वैल्यू होती है वह एक्चुअल मार्केट वैल्यू से बहुत ही लो शो की जाती है। 1990 में जब पहली बार एग्रीकल्चर लैंड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया गया था तब वो 10 मरले का प्लॉट 3 लाख का था, और आज 2017 में जब वो प्लॉट 3 लाख का प्लॉट लगभग 40-50 लाख का हो चुका है, लेकिन रजिस्ट्री में वैल्यू 3 लाख है। 3 लाख के बेसिस पे फर्दर आगे रजिस्ट्री हो जाती है, गवर्नमेंट को उतना सही रेवेन्यू पहुँचता है, बाकी सारा पैसा प्रॉपर्टी डीलर के पास है, और जिसने बेचा है कॉलोनाइजर ने वो सारा का सारा ब्लैक इकोनॉमी का ब्लैक मनी का पार्ट है, पैरेलल इकोनॉमी, यानी कि सरकार को भी फायदा इसका नहीं हुआ, जीडीपी में वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि जीडीपी में पैरेलल इकोनॉमी काउंट नहीं होती, दैट इज द रीजन। और वो सारा पैसा किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई तरीके से फॉरेन कंपनीज और फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचा दिया जाता था, वो पैसा इंडिया में रीइन्वेस्ट भी नहीं होता था क्योंकि रीइन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं शो हो जाएगा, तो हमें कोई लाभ ही नहीं मिला। हमारे देश की जमीन एग्रीकल्चर लैंड, जिस एग्रीकल्चर की हमें ज़रूरत है, एग्रीकल्चर लैंड नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया। चलो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता तो गवर्नमेंट बैरन लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करती या कई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करती, वो भी नहीं हो पाई क्योंकि उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को भी नहीं मिला, और उसकी वजह से कंज्यूमर आज की डेट में तंग है क्योंकि कंज्यूमर भी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर्टी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव एसेट बन चुकी है। इसलिए अगर आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से नीतियों में आए बदलाव की वजह से पंजाब में प्रॉपर्टी का बिजनेस पूरे इंडिया में ठप पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में अब प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू को अचीव कर रही है और प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन आ रही है, खाली प्लॉट और घरों की कीमतें डाउन जा रही हैं और वो उस लेवल को रीच कर रही है जो उसका जेन्युइन लेवल था। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू डेवलप कर दी गई थी वो दैट वॉज आर्टिफिशियल सुपरफिशियल। 3 साल के अंदर एक 30,000 का प्लॉट 30 लाख का 3 लाख मरला नहीं हो सकता। मेरे एरिया में ये चीज़ें नोटिस की मैंने, 30,000 मरला प्लॉट 2003 में, 2010 में 3 लाख मरला, इतनी ग्रोथ तो पूरे वर्ल्ड ने नहीं देखी किसी भी चीज़ के अंदर। चलो देखिए ये एक आर्टिफिशियली प्रोवाइड की गई वैल्यू थी लैंड को जो फेक थी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू प्रोवाइड की गई उन लोगों के साथ मिलकर जिनके पास 2 नंबरी पैसा था, और 2 नंबरी पैसा जैसे ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, जैसे NRIs, और ये सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगाना बहुत ईजी था, तो कई कई लेवल पर बहुत बड़े पैमाने पर ज़मीनें और प्लॉट खरीदे गए और कॉलोनाइजरों ने सारा का सारा पैसा 2 नंबरी इस फील्ड में लगा दिया। इसका लाभ किसी को भी नहीं मिला, इस वजह से उल्टा प्रॉब्लम हाउसिंग की क्रिएट हुई। सो द थिंग इज, पहला रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये कि आए दिन शहरों में बढ़ती कमर्शियल एक्टिविटीज़ की वजह से जगह चाहिए बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, जहाँ पर शोरूम्स बनेंगे, रिटेलर शॉप्स बनेंगी, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस बनेंगे। तेजी से बढ़ती जनसंख्या को बहुत तेजी ट्रांजिशन भी प्रोवाइड करना है, और ट्रांजिशन के लिए यूनिट लैंड सड़कें बन रही हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और हाईवे बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए भी जगह चाहिए। तो द थिंग इज, इन सारे कारणों की वजह से भी ज़मीन कम हुई शहरों में, और ज़मीन कम हो जाने की वजह से भी लैंड की वैल्यू बढ़ गई बहुत हाई लेवल। तो इन सारे कारणों से हाउसिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही। मोस्टली शहरों की तरफ कौन आता है? गाँव में रह रहा है गरीब भी शहरों की तरफ आता है, और वो गाँव में रह रहा गरीब जब शहर की तरफ आता है ऑटोमेटिकली वो कैसे सेक्टर में जॉब करता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे किसी फैक्ट्री में लेबर लगेगा या फिर फुटपाथ पे सब्जी बेचेगा या रिक्शा चलाएगा या ऑटो चलाएगा या बस में कंडक्टर लगेगा, दर्जी की दुकान पे लग जाएगा, राशन की दुकान पे लग जाएगा, शॉपिंग मॉल में सुबह 8 से रात के 8 बजे तक यूनिफॉर्म पहन के सेल्समैन की तरह खड़ा रहेगा, कॉल सेंटर में लग जाएगा। ये सारे अनऑर्गेनाइज काम करने के लिए उसे टू द मैक्स 15 या 18 हज़ार रुपये कमाई होगी। 15 से 18 हज़ार रुपये कमाई में ना वो रेंट पे कर सकता है और अपना घर लेना तो मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। दूसरा, एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत कॉस्टली हैं, अपने बच्चे का एजुकेशन भी उस लेवल पर दे नहीं सकता क्योंकि सिटीज में एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली। इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज आर वेरी कॉस्टली, इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। वाटर परचेज करना पड़ता है क्योंकि वाटर फैसिलिटी हर जगह पर पहुँचाई नहीं गई। इन सारे कारणों से वो मजबूर रहता है उन अनहाइजीनिक कंडीशन में रहने के लिए जहाँ पानी उसे खरीदना ना पड़े, जहाँ सीवरेज की कोई सुविधा ना हो, जहाँ पर घर का किराया ना देना पड़े। ऑटोमेटिकली वो लोग एक पर्टिकुलर जगह पर क्लस्टर बनाते हैं और वो जो क्लस्टर बनता है किसी पब्लिक लैंड के ऊपर और वहाँ पे स्लम्स डेवलप होते हैं। वो स्लम्स किसी तरह का सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, किसी तरह की वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते, किसी तरह से रहने के लिए पक्का शेल्टर नहीं है जो किसी भी तरह के आंधी तूफान में नुकसान पहुँचाता है, गर्मी सर्दियों में उन्हें नुकसान पहुँचाता है। इसकी वजह से वो बहुत भारी पैमाने पर बीमार पड़ते हैं। और अगर आप देखें इंडिया में आज की डेट में मैक्सिमम लोग शहरों में बीमार होते हैं पानी की परेशानियों से, पानी की बीमारियों की वजह से। तो लोग इन कारणों से बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ जाने की वजह से जो उनकी वो इनकम भी है, जो 15 हज़ार की इनकम है, उसके ऊपर भी बहुत हैवी टोल लग जाता है, नुकसान हो जाता है उनकी आमदनी का। और वो जो विशियस साइकिल है उनका, जिसको तोड़ने के लिए शहरों में आए होते हैं, वो नहीं तोड़ पाते, जिसकी वजह से वो छिनताई यानी कि स्नैचिंग, भिखमारी, भिखारीपन, चोरियाँ, डकैतियाँ और ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, जैसे फिरौती या हत्या या सुपारी, ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। जिसका रीज़न कहीं ना कहीं लैंड में आ चुकी वो वैल्यू है, जिसकी वजह से रहने की सुविधाएं नहीं मिल पाती और शहर एक बहुत बड़ा हब बन चुके हैं ऑर्गेनाइज क्राइम का। ठीक है, तो ये थी समस्या हाउसिंग की। इतनी बड़ी समस्या है, साथ ही बता देता हूँ, कॉलोनी कॉलोनी का कॉर्नर वाला प्लॉट थोड़ा लुक्रेटिव होता है, टू साइडेड, वो भी कॉलोनी का मेरे बंदे कोड़ा, कॉलोनी का वो प्लॉट जितने सारे जिन्हें नेड़े सारे कॉलोनियाँ सीवरेज आगे निकल रहा है, वो भी अमीर बंदे ने लैके छटे हो गया। कॉलोनी का वो प्लॉट जो पार्क है सामने, वो भी अमीर बंदे ने लैके रखे हुआ है, तो जो कोई आऊगा किराए से चाड़ा फिर आँगी है प्रॉब्लम। किन्हें मना किया कॉलोनी का कॉर्नर प्लॉट किसी लैंड तो लै लो, जिन्हें को जिन्हें पैसे लाओ प्रॉपर्टी की वैल्यू ही तो पर मेनटेन रखनी है। बट कॉलोनी के वो प्लॉट्स जेडे प्लॉट के एक बंद ने एक प्लॉट लै लिया, बेनामी प्रॉपर्टी कानून गवर्नमेंट लै ही है, घर में इस धरती रहने नहीं की चाहिए, एक घर तो एक आपके बच्चों की प्लॉट, जो दो प्लॉट ताे को आ गए हैं, वट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड प्लॉट, तुम मैंने दसो तीजे प्लॉट की लड़ है, की करना वो प्लॉट इनवैसटमेंट क्यों करनी उस प्लॉट के, देर आर सो मेनी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सैक्टर से इनवैस, प्राइवेट सैक्टर से इनवैस करो, देर आर सो मेनी फॉरन प्लेयर इन इंश्योरेंस, देर आर सो मेनी फॉरन प्लेयर इन म्यूचुअल मार्केट, यू कैन इनवैसट इन दोज सैक्टर्स ऑल्सो। प्रॉपर्टी जोड़ा है वो पब्लिक रिसोर्स है और पब्लिक रिसोर्स में तुम आपके पैसे ने तो आपसे परचेज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो लैंड रिसोर्स है कई सारे परपजेज ने, मल्टीपर्पज यूटिलिटी है वो, वो रिसोर्स स्कूल कॉलेज बनाने के काम भी आता है। इस तरीके के नाल जेकर लैंड देना शुरू करता तो मुकेश अंबानी जी ने जिन्ना दम हो पूरा महाराष्ट्र खरीद सकता है, फिर तो ले लेगा, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती इस करके तो ले नहीं पा रहा, वो तो दम चले तो चार पांच स्टेट खरीद के अपने नाते कर ले, अंबानी स्टेट महाराष्ट्र का नाम बदलते बट है, फिर इंडिया कितने जाएगा, चार पांच बड़े बड़े बिजनेसमैन मिल के पूरा देश खरीद लोगे, वेयर इज लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कितने है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार मोदी जितने जा रहे हैं, ये शहर तो जी अंबानिया का, स्टेट भी अंबानिया की, समझा सारा साउथ इंडिया जी अंबानी गोदरेज बिंगला टाटा इन्हों का, तोड़े नहीं बजे वो ही एक माड़ा जहाँ घर के नेड़े तेड़े का रखता नहीं है। इन्वेस्टमेंट किस कीमत पर, प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर्म एसेट फॉर्मेशन किस कॉस्ट पर, वो देखना पैदा है, उन्होंने रेगुलराइज करना पैदा है, ठीक है, अदरवाइज तो उन्होंने तो बस चलेगा तो सारिया जमीन खरीद खरीद के रख देंगे, क्यों? इसलिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट कानून लिया कि एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने यू नीड टू बी एग्रीकल्चरिस्ट,
ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਨੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪਰਸਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਵੇ? ਉਹ ਜੇ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਦੈਨ ਵਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਬੀਂਗ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫੀਡ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਫੀਡ ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਵਿਲ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨ ਟੂ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਸੋ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫੇਅਰ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਕਲੈਸਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੋ ਪਲੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਵ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਰੂਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਰਲ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ 4 ਲੇਅਰਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 4 ਲਾਈਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਨੋਨ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਓਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣਗੇ? ਔਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਆ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਮਸਲ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰੱਥ ਟ੍ਰੇਨ ਫੁੱਲੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਥਰਡ ਏ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1800 ਰੁਪਏ ਆਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਦਾ ਟਿਕਟ 600 ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2011 ਮੇਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾ ਥਾ ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸਮੇਂ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਦੇਣੇ ਥੇ ਲੋਕੋਂ ਕੋ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੋ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਰਾਜੀਵ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਬਦਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਕੇ ਤਹਿਤ 2022 ਤੱਕ ਸਭੀ ਕੋ ਘਰ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਮੇਂ। ਅਭੀ ਅਬ ਸਭੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਪੀਪਲ, ਇਹ ਜੋ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕੋ ਘਰ ਦੀਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਕੈਸੇ? ਸਲਮ ਹੈ, ਸਲਮ ਕੌਣ ਸੇ ਲੈਂਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਲਮ ਹੈ, ਸਲਮ ਕਿਸਕੇ ਲੈਂਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ, ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਕੋਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਰਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਤੁਹਾਰਾ, ਘਰ ਤੁਮ ਇਸ ਪੇ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਸ ਸਲਮ ਲੈਂਡ ਕੋ ਜੋ ਆਲਰੇਡੀ ਡੈਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਉਸੇ ਲੈਂਡ ਮਿਲਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੋ ਇਨ ਘਰੋਂ ਕੀ ਸਲਮਸ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਚਾਹੇ, ਤੋ ਸਲਮਸ ਮੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ? ਸਲਮ ਕੇ ਡੌਨ ਕਾ, ਪਰ ਸਲਮ ਕੇ ਡੌਨ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਪੜੀਆਂ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਤੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਤੇ, 500,000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ। ਸੋ ਦਾ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਇਨਕਮ ਬਣੇਗਾ, ਉਸੇ ਲੈਂਡ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਮੇਂ ਮਿਲਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੋ ਅਪਰ ਸਟੋਰੀਜ ਮੇਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀਜ ਮੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸ਼ੋਪਸ, ਆਊਟਲੈਟਸ, ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਮ ਕਹਾਂ, ਸਲਮ ਕਹਾਂ ਹੋਤੇ ਹੈ? ਜਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਪਰ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਕਾ ਸਾਰਾ ਫਲੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੇ ਉਸੇ ਬੇਅੰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਨਸੇ ਵੀ 400-500 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਪੈਸਾ ਲੇਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਲਮ ਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘਰ, ਔਰ ਜਬ ਉਹ ਘਰ ਦੇਗਾ ਤੋ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੋ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਡਿਵੈਲਪ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ, ਮੁੰਬਈ ਮੇਂ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੜਕੇ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਸਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ।
गवर्नमेंट उसकी परमिशन देती है एक शर्त पे कि जितने फ्लैट तुम एक्स्ट्रा यहाँ पे बनाओगे उनमें से तुम्हें, क्योंकि ये लैंड बड़ा ही पॉश है, वेरी पॉश टाउनिंग, एक एक फ्लैट तुम्हारा बिकेगा दो दो चार चार करोड़ का, और अगर 40 फ्लैट एक्स्ट्रा बनाने की परमिशन दे दी तो मुद्दा पहुंच गया 80 करोड़ में। तो गवर्नमेंट उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि दूर दराज में एक बैरन लैंड पड़ा है वहाँ पे तुम गरीबों के लिए कॉलोनी डेवलप करो, एक टाउनशिप छोटी सी, फ्लैट्स, लो कॉस्ट फ्लैट जिन्हें हम कहते हैं, उसके बदले में मैं तुम्हें यहाँ पे 40 फ्लैट एक्स्ट्रा बनाने की परमिशन देता हूँ तुम्हारे ही लैंड पे। तो वो ये वायबिलिटी देखेगा कि 80 को करोड़ का फायदा हो रहा है 40 फ्लैट एक्स्ट्रा बना के, 40 को करोड़ मेरे वहाँ लग रहे हैं, एट द एंड नेट प्रॉफिट कितना हुआ 40 करोड़, उसे क्या नुकसान है, गवर्नमेंट का क्या लगा। आप हैरान हो जाएंगे ये सुन करके, इस समय लगभग 1 लाख फ्लैट मुंबई में खाली पड़े हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, जो अभी तक चढ़ाए नहीं वहाँ की सरकार ने, नेट पे भर के देख लेना यूट्यूब पे, 1 लाख फ्लैट फुली फर्निश्ड फुली डेवलप्ड एकदम टंच और बड़े सुंदर फ्लैट हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वो चढ़ाए नहीं जा सके क्योंकि गवर्नमेंट की गंदी नीतियाँ, गवर्नमेंट ने चढ़ाएगी नहीं, 15 से 20 साल में वो अबेंडन हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली फिर बिल्डर कोई परमिशन देगी कि बुलडोजर चला के अब बना यहाँ पे मस्त अपना 7 स्टार 5 स्टार गोल्फ कोर्स, ये पोलो फैसिलिटी, पता नहीं क्या क्या, फिर वो बनाएंगे और फिर वो वहाँ से कमाएंगे पैसे, क्यों, क्योंकि एक बार गरीबों को घर दे दिया तो वो तो प्रॉपर्टी होगी डेट है ना। तो पहले सरकार से परमिशन ले ली 40 फ्लैट एक्स्ट्रा बनाने की उसके नाम पे, मीडिया भी पूरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डांच, वहाँ पे फ्लैट बना दिए, 15-20 साल में फ्लैट जर्जर होने लगेंगे, सरकार ये कहेगी कि ये देर प्रोन एरिया हैबिटेशन, हमें इन्हें फ्लैट करना पड़ेगा, जो फ्लैट करेंगे फिर उन्हें आज़ादी देती है, लैंड अनप्रोडक्टिव हो गया हमने इसकी ऑप्शन कर दी है, इस बिल्डर ने लैंड ले लिया जो मर्जी बनाना चाहे बनाए, फिर वो सारी जिंदगी वहाँ से रेवेन्यू कमाए, यहाँ पे हमें ठीक करना होगा। तो पहला मैंने आपको तरीका बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्लम एरियाज को जो है इन्हें कहते हैं इन सीटू, इन सीटू, कोई भी चीज़ दो चीज़ें होती हैं, जब आप अपने अंदर ही परिवर्तन करते हैं ना वो होता है इन सीटू, और जब बाहर परिवर्तन होते हैं वो होता है एक्स सीटू, ठीक है, थोड़ा सा मेडिकल वर्ड, इन सीटू एक्स सीटू वो वर्ड होते हैं, ठीक है। तो इन सीटू डेवलपमेंट ऑफ द स्लम लैंड, दूसरा कंसेप्ट इसी में हाउसिंग फैसिलिटीज को टैकल करने का, देखिए गवर्नमेंट एक और प्रोसेस अपना सकती है दैट इज वेरी यूनिक। नॉर्मली शहर में रहने वाला एक आदमी 5,000-10,000 रुपया किस्त रेंट भरता है ना, कुछ नहीं करना, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कुछ नहीं लेना उससे, बस उसकी किस्त को, उसके रेंट को कन्वर्ट कर देना है किस्त में और लॉन्ग टर्म लोन अप्लाई करना है, जिसके लिए बैंक को जो भी नुकसान होगा वो सब्सिडी पे करेगी सरकार, यानी कि सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड किए जाएंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के, जिसके तहत लोन को भर दे दिया जाएगा, जितने पैसे में वो रेंट भर रहे हैं उतने पैसे की ईएमआई होगी उनकी, और जितने सालों में लोन पूरा होगा अल्टीमेटली घर उनका अपना होगा, इस प्रोसेस के थ्रू घर दिए जाएंगे। सो द थिंग इज कि इस तरह से जितने भी नए नए इनोवेटिव प्रोग्राम डेवलप करेगी गवर्नमेंट, मैंने पहले कॉलोनाइजर बिल्डर वाला कंसेप्ट समझाया मुंबई वाला, फिर स्लम डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट समझाया, फिर ये तीसरा कंसेप्ट समझाया, ये सारे कंसेप्ट बना करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी को घर देने का टारगेट रखा है सरकार, इसके तहत हाउसिंग प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं, और हाउसिंग इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करना ही होगा, ठीक है। सो द थिंग इज कहाँ पर दिक्कत आ जा रही है, टाउन प्लानिंग में, टाउन प्लानिंग सबसे बड़ी समस्या का विषय है, जैसे मैंने पहले ही बताया हमारे अर्बन एरियाज को रियल एस्टेट अप्रोच के साथ डेवलप किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अप्रोच के साथ, एक अर्बन एरिया कई सारे रीजन्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आता है सीबीडी, जो सेंट्रल रीजन है, सेंट्रल रीजन आप अच्छे शॉपिंग मॉल्स कम्प्लेक्सेस अच्छे बिग हाउसेस के लिए रखिए, एक ऐसा लोकेलिटी एरिया रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स डेवलप कीजिए जिसमें शहर के बड़े उद्योगपति, शहर के बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिसर, ये सारे लोकलाइज हो, लेकिन शहर के कुछ ऐसे अनप्रोडक्टिव एरियाज भी होते हैं जहाँ पर जिसकी इतनी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है, उन एरियाज में उन लोगों को सेटल करने की कोशिश की जाए जो वहाँ पर रह सकते हैं। तो अगर टाउन की प्लानिंग प्रॉपर की जाएगी तो टाउन का जमीन सबके हिस्से आएगी,
बहुत ल्यूक्रेटिव बहुत प्रोडक्टिव उसके हिस्से आएगी जो अफोर्ड कर सकता है, और जो कम प्रोडक्टिव है कम ल्यूक्रेटिव है वो उसके हिस्से आएगी जो उसे अफोर्ड कर सकता है। यानी कि एक ही आदमी सारी जमीनें नहीं लेकर के जाएगा, इससे सभी को सबका हिस्सा मिलेगा। ठीक है, हर कोई मॉडल टाउन में घर थोड़ी ना बनाना चाहता है, मॉडल टाउन में घर उसे बनाने दो जिसके पास दम है। लेकिन उधर भी तो कॉलोनिया घाटों में विवेकानंद पार्क, मुजराबा नगर, इधर गोल्डन एवेन्यू और ये लंबी लंबी गड़ा रोड, गड़ा रोड देखिए आप किनका बनाया हुआ है, ये सारा का सारा गांव था ये सारा एरिया। इसलिए आप गलियां देखेंगे ऐसे ऐसे, गड़ा रोड की रोड देखेंगे तो ऐसे ऐसे जा रही है जैसे गांव की सड़क होती है, क्योंकि सारी की सारी कॉलोनी प्रॉपर्टी डीलरों की बनाई हुई है, प्रॉपर्टी डीलर ही रहते हैं, तो उनकी सोच साफ नजर आती है जितनी जगह है से काट लो। इसकी वजह से आप सड़कें देखेंगे तो हाईली नैरो, बहुत छोटी सड़कें। अब इन कॉलोनी में घूम के देख लेना, चलो देखेंगे कि जहाँ पर जो रह सकता है उसे वहां पर रखा जाए एटलीस्ट। इसमें गवर्नमेंट को रोल प्ले करना होगा, जैसे अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो वेलकम मिलर प्लांट के पीछे आपको एक कॉलोनी मिलेगी जहां पर जलंधर की आपको झुग्गी नहीं दिखती ना, जलंधर में झुग्गियां बस्तियां हुआ करती थी मकसूदा के पास, सारी झुग्गियां बस्तियां उखाड़ के गवर्नमेंट ने दो दो मरले में उन लोगों को वहां घर बना के दिए। वो कौन सा एरिया है जहां पर पहले कूड़ा फेंका जाता था, गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया इधर, उधर से कूड़ा साफ होकर सॉलिड वेस्ट प्लांट में आ गया, जगह फ्री हो गई, जगह में लोगों को बस्तियां बना दी, घर बना दिए पक्के खतमगान। वो लोग थोड़ी ना कह रहे हैं मॉडल टाउन में रहना है, और मॉडल टाउन वाला वहां रह के खुश नहीं है, तो जहां पे मॉडल टाउन वाला नहीं रहना चाहता वहां उन्हें कर दो खत्म कहानी। तो हमें प्री प्लान प्री प्री डेवलपमेंट प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी एरिया की, कि सबको कैसे अकोमोडेट किया जा सके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। वेरी बिग इशू, सरकार की तरफ से लैंड एलोकेट किया जाता है। अब आप एक बात सुनिएगा, क्योंकि झोपड़ी वालों को बहुत से बड़े बड़े शहरों में फ्लैट बना करके दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, ये उन फ्लैट में खुद ना रह करके उन फ्लैट को आउटसाइडर्स को किराए पे दे देते हैं, जिसमें से इनको बहुत बड़े पैमाने पर किराया आता है। क्यों ये उन फ्लैट में जा करके नहीं रहते और क्यों ये फर्दर सेल भी कर देते हैं उन लैंड्स को, क्योंकि ये जितने भी स्लम डेवलप होते हैं माइग्रेटरी लोगों से होते हैं, और माइग्रेटरी लोगों की खासियत है कि इनके अपने ओरिजिन प्लेस में जगह होती है, घर भी होता है गाँव में और ज़मीन भी होती है, तो इनका इंटरेस्ट नहीं रहता उस सिटी में जमीन बनाने से लेकर के, क्योंकि इन्हें पता है अल्टीमेटली हमें यहाँ रहना नहीं है, हमें वापस ही जाना है कभी ना कभी। तो ये वहाँ की जमीन जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसे बेच के गाँव में दो गट्टे और ज़्यादा लेना मंजूर करते हैं, कि दो खेत और बढ़ा लेंगे, गाँव का घर और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि चुभी चुभी जो उपड़ी में रह रहे हैं उनकी आदत ऐसी पड़ चुकी है। तो स्वच्छ भारत अभियान एक सबसे बड़ा अभियान छेड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कि बिहेवियरल चेंज आएगा, तो बिहेवियर चेंज इंड्यूस करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत कैंपेन चलाया जा रहा है कि लोगों की आदतों में परिवर्तन हो, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, ऐसे कंसेप्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो दिन की देरी इन्होंने आदत होती है, दोनों की गवर्नमेंट हम ठीक कर रही है। आंसर टीम सी टू डेवलपमेंट, जैसे झोपड़ी से रह रहे हैं झोपड़ी झुग्गी से उसे ही बना देता जगह, तो फिर झुग्गी नवी जगह बनाने की तो हम पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फिर उसे ही फ्लैट बनाओ तो फिर उसे ही तो रहना ही पैना। गवर्नमेंट ने इंडी पॉलिसी बनाई बड़े दिमाग ला के बनाई है ना, इतना हो जाएगा फिर ठीक नहीं मिलेगा। उसका जो कंसेप्ट ही अलग है कि उसमें क्या किया गया था कि बनाए गए फौजियों के नाम पर, वो तो ऊपर के लेवल पे ही गड़बड़ हो गई थी ना, कि फौजियों के नाम पर बना बना करके ऐसी ऐसी रिश्तेदारियाँ फौजियों से जोड़ जोड़ के मंत्रियों के द्वारा अपने बंदों को फ्लैट दिए गए उस पॉश एरिया में, कि कोई सोच भी नहीं सकता, एक दूर का फौजी उसे कुछ पता भी नहीं है, उसके द्वारा एक चेन जुड़ रही है रिश्तेदारी की, और मंत्री का अपना बहुत ही खास जैसे पीए क्लर्क या उनके रिलेटिव उन सबको घर बेचे गए आदर्श सोसाइटी के नाम पर, तो ये दिक्कत थी आदर्श सोसाइटी, वो अलग अलग एक कंसेप्ट। ठीक है, प्लीज वाटर फैसिलिटी सबसे बड़ी दूसरी समस्या, शहरों की ये समस्या बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि शहरों में नेचुरली एक दिक्कत होती है नहरों